एनडी तिवारी जी हमारे पारिवारिक सदस्य थे, पार्टी की पूरी क्षति हुई है, उन्होंने समूचा समय कांग्रेस पार्टी को दिया है। जिस तरह अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दिए हैं, पिछले समयों में भी श्री एनडी तिवारी जी ने लिखित एप्लीकेशन देकर सुरक्षा की गुहार की मांग की थी। परिवार वालों ने बताया कि पिछले समयों में जो भी संबंधित अधिकारी थे, पुलिस के आला अफसर थे, उनसे मिलकर पूरे अपने जो उनको खतरा था और जो उन्हें बराबर महसूस हो रहा था उसके बारे में अधिकारियों को बताने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह श्री एनडी तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ी है, संवेदना व्यक्त करती है। जिन लोगों ने यह घटना किया है, अगर प्रशासन जल्द उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी संघर्ष करेगी, अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी, सदन में भी उठाऊंगा यह मुद्दा, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, बनारस की धरती, महादेव की धरती पर लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, और मजबूती से प्रशासनिक और सरकार को घेरने का। देखिए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, माफिया राज है। 3 दिन में बनारस में 9 घटनाएं, बनारस के अगल बगल के जनपदों में 9 घटनाएं, हत्या, लूट। मथुरा की घटना आपने देखा, किस तरह एक बस को बंधक बनाकर लूटा गया, संपूर्ण यात्रियों को। आपने मेरठ में एक बेटी के साथ किस तरह की घटना हुई, आगरा में किस तरह घटना हुई, रोहनिया में हुई, और आज भी रोहनिया में हुई है, और एक मौर्य परिवार के चाकू मारकर उनकी भी हत्या हुई। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अभी मुख्यमंत्री और पूरी सरकार प्रचार में दूसरे प्रदेशों में व्यस्त है, तो चुका है जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार जंगल राज के खिलाफ सड़कों पर निश्चित तौर से पूरी पार्टी के साथ खड़ी है। हमने अपने परिवार के सदस्य को बुलाया, परिवार के लोगों के साथ हम खड़े हैं, और न्याय की लड़ाई के लिए जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाता, हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कल आईजी और कमिश्नर से मिलेंगे, डीजीपी और मुख्यमंत्री से स्वतः अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, और स्वतः पत्र लिखकर मैं उनसे इनके सुरक्षा की गुहार और अपराधियों को पकड़ने की मांग करूंगा। अगर 2 से 3 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, यहां सड़क पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।